तो हेलो भाई डल स्पॉट्स फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कर लो बढ़िया आंगन, ऑलवेज बढ़िया ही रहना। तो मैंने आप लोगों से बोला था कि पिछले वाले जो वीडियो थी उस पर 100 लाइक्स कंप्लीट करवा दो, मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा 4v4 वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स के साथ। तो आपने अपना काम करा दिया, 100 लाइक्स कंप्लीट करवा दी, उसके लिए दिल से थैंक यू। तो अब मैं भी अपना काम कर ही देता हूँ। तो लो लेके आ गया आपके 4v4 की वीडियो वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स के साथ। हमने तो एक्सपोजिंग किया है, तो तुम 4v4 कैसे? तो आप टेंशन ना लो फैमिली, जो थंबनेल में है वो वीडियो में है, एंड जो वीडियो में है वो थंबनेल में है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, एंड वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ये सब बात को साइड रखते हैं एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो ये कहानी थी 2 दिन पहले की, जब मैं गेम में ऑनलाइन आता हूँ 4v4 के लिए, कस्टम के लिए वॉइड, जो कि था वॉइड ई स्पोर्ट्स के साथ। अब आया तो था 4v4 के लिए, लेकिन होता है 1v1। अब क्यों होता है ये 1v1, वो अगर आप जानना चाहते हो और वो वीडियो अगर देखना चाहते हो 1v1 की, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक होगा, जाके आप वहाँ से देख लेना। एंड उस 1v1 के बाद होने वाला था हमारा 4v4 का कस्टम, एंड जो कि होता भी है, लेकिन हम हार जाते हैं 1-8 से। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है फैमिली, अभी कहानी शुरू हुई है। तो एक कमेंट देखो जो कि आदरणीय वॉइड ई स्पोर्ट्स के लीडर करते हैं, इसमें कमेंट्स में लिखा गया, पढ़ो, नूब DW स्पोर्ट्स गिल्ड, मैंने आज 4v4 की पिक्चर देखी, 8-1 से हार गए आप लोग वॉइड ई स्पोर्ट्स से। तो वो पूरा पिक्चर नहीं था, वो एक ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। तो वो असली पिक्चर मैं दिखाता हूँ, तुम बस सब्र करो। तो चलते हैं असली पिक्चर देखने। तो यहाँ पर रूम बन चुका होता है एंड सारे प्लेयर्स भी आ चुके होते हैं, यहाँ तक तो सब नॉर्मल था। तो चलते हैं मैच के अंदर। तो यहाँ पर हमारा जो पहला राउंड होता है वो हम ही जीतते हैं, पहला राउंड तो हम जीत जाते हैं, बट उसके बाद जो होता है एंड वो मतलब आपको मैं दिखाऊंगा, क्योंकि देखो मैंने 4 राउंड तक अपने प्लेयर को व्यू किया था, अगर मैं उससे पहले करता तो उससे पहले भी दिखा सकता था, बट मैंने 4 राउंड तक अपने प्लेयर को व्यू किया। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से आपके 4th राउंड में बढ़ता हूँ एंड वहाँ से आपको सारा चीज़ क्लियर करता हूँ, ठीक। एंड ये था हमारा 4th राउंड, एंड इसमें जो एक प्लेयर था ड्रैक्सो नाम का, एक आपको प्लेयर दिख रहा होगा, उस प्लेयर ने यहाँ पर पहला एस मारा था, एंड उससे पहले इसने 2 ट्रिपल्स मारे थे। तो आपको मैं दिखाता हूँ उसके बाद पूरा कैसे हुआ है, ठीक। यहाँ पर देखना, इसी पर पहला एस मारेगा यहाँ पर सारे प्लेयर्स में, तुम्हारे DW के सारे प्लेयर्स को यहाँ पर एस मारता है ये मॉन्स्टर गया यहाँ पर। एंड देखना सिकॉस का व्यू देखते हैं, यहाँ पर सिकॉस को देखो, सिकॉस को देखेंगे एंड सिकॉस भी यहाँ पर मर जाएगा। अच्छा, वो ड्रैक्सो यहाँ पर 1v4 कर देता है। चलो तो मेरे को लगता है यहाँ पर ये प्लेयर फेयर, मतलब फेयर है यहाँ पर, मेरे को यहाँ तक तो लगता है कि प्लेयर फेयर होगा। बट उसके बाद जो मेरे को देखने के लिए मिला वो देखो आप, एंड उसको मतलब आप भी बताना मेरे को, इस प्लेयर के पास कुछ अद्भुत शक्तियाँ थी, एंड वो शक्तियाँ क्या थी मैं आपको बताता हूँ। एंड देखो पूरा चीज़ मैं आपको इस वाले राउंड में क्लियर करता हूँ, अगर इसमें भी आपको क्लियर नहीं होता तो मैं आगे भी और भी प्रूफ्स पड़े हुए हैं, मैंने इस पर बहुत चीज़ मतलब मैंने सारा चीज़ इस पर क्लियर कर दिया, एंड आपको आगे तक पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में मतलब इस वाले राउंड में देखना क्या होता है एक्चुअली, ठीक। तो इस प्लेयर के पास जो 2 शक्तियाँ थी, उसका पहला नाम था लोकेशन है, तो लोकेशन भी इसको सारा पता रहता है कि ये प्लेयर कहाँ से कौन सा प्लेयर होने वाला है, इसको सारा चीज़ पता है। दूसरा होता है भाई वो एक गोली मतलब 4 गोली 4 बंदे ख़त्म। तो आपको यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, ये प्लेयर यहाँ पर होल्ड क्यों करता है, क्योंकि वो इसको पता है कि लोकेशन कौन सा प्लेयर का लोकेशन कहाँ पर, इसको सारा चीज़ पता होता है। एंड देखना यहाँ पर क्या होगा, मैं आपको यहाँ पर सारा चीज़ क्लियर करूँगा, एंड यहाँ पर भी आपको क्लियर नहीं होगा तो वो देखना आप, ठीक। यहाँ पर इसको पता था कि यहाँ पर ये एक बंदा होने वाला है जो कि यहाँ पर, एंड इसने फायर भी दिया, उसको पता है कि वहाँ पर है, एंड जैसे निकलता है उसको नॉकआउट, ओके। एंड अभी यही नहीं, अभी आगे भी देखो, अभी आगे क्या होगा, इसको यहाँ पर भी पता है किस वॉल के पीछे होने वाला है, एंड देखना जैसे निकलेगा वो भी खत्म भाई, इसको सारा चीज़ पता होता है। एंड यहाँ पर देखना, इसको यहाँ भी पता है कि उधर से प्लेयर आ रहा है, इसको सारा चीज़ पता है कि प्लेयर उधर से आ रहा है, एंड देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक। ये बंदा को देखते ही झलक देते ही ख़त्म कर देता है, एंड देखो इससे तो जज नहीं होता नहीं कि हैकर है कि क्या है, मेरे को नहीं पता, एंड क्या लोकेशन हैक पता है इसको, मैं यहाँ से जज नहीं करता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पर देखना, ये हमारा प्लेयर दिखेगा एंड उसको ख़त्म कर देगा, चलो यहाँ पर मानते हैं। यहाँ देख रहा हूँ ये मिल दिखा एंड खत्म, यहाँ पर 3 टेकडाउन इसने मारा अगले राउंड में। एंड अगर अभी भी आपको लगता है कि ये बंदा फेयर है, तो चलो आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, एक नहीं भी और भी चीज़ दिखाएंगे। तो चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे ही ये बंदा जंप करता है, एंड यहाँ पर देख रहे हैं ये डायरेक्ट उसका, उसको पता होता है कि भाई कहाँ से फायर हुई है, एंड डायरेक्ट उसी जगह पर इसका एम जाता है, इसको पता है कि कौन सा प्लेयर कहाँ होने वाला है, इसको सारा चीज़ पता होता है। चलो अब अंदर देखो, आपको अंदर इसकी एक चीज़ क्लस दिखाऊंगा आपका, इसका ये मतलब कैसे ये बंदे को देखते ही ख़त्म करता है, एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक। देखो यहाँ पर देखना, यहाँ पर इसको पता है कि कौन सा बंदा कहाँ होने वाला है, देखना यहाँ पर इसको पता है, यहाँ पर तो चलो ठीक है इसने मिस कर दिया, ओके।
एंड देखो यहाँ पर इसको पता है कि यहाँ से बंदा आ रहा है, यहाँ पर इसको भाई देखते ही खत्म, एंड एक और देखना ये खत्म। अब बाहर भी देख लो, बाहर क्या होने वाला है वो भी देख लो भाई। इस बंदे को बस दिखने पर दे रही है किसी की भाई, इसमें भी इसने क्वार्टर ले गया। एंड ये बताऊँ आपको क्या लगता है, ये पीसी प्लेयर है? नहीं, ये मोबाइल प्लेयर है भाई, ये मोबाइल प्लेयर है। एंड मोबाइल प्लेयर का भी बताना, ऐसा गेम प्ले हो सकता है एंड हो भी सकता है भाई, मैं भी जानता हूँ ये ऐसा प्लेयर हो सकता है भाई, क्यों नहीं है, मेरे पास भी हमारा मॉन्स्टर है। बट अभी और भी चीज़ें बाकी हैं एंड उससे प्रूफ हो सकता है कि भाई क्या ये बंदा फेयर है या फिर अनफेयर है, वो आपको पता चल जाएगा एंड में। तो देखो वीडियो को छोटे से घंटे देखना बस। तो हम जैसे ही हारते हैं उसके बाद हम बुलाते हैं उसके लीडर को ग्रुप में एंड उससे बोलते हैं कि तुम्हारा बंदा मेरे को अनफेयर लगा, ठीक, तो तुम क्या उसको डीसी पे बुला सकते हो स्क्रीन शेयर करके, वो हमें प्रूफ दे देगा भाई कि अगर वो फेयर है तो भाई उसको दिखाने में क्या दिक्कत। तो ये क्या बोलता है उसका लीडर कि नहीं वो डीसी पे नहीं आ सकता, वो मतलब उसको टाइम नहीं है उसके पास, ठीक। तो ठीक है भाई, वहाँ पर उसको टाइम नहीं है। एंड उसके बाद वो बंदा ग्रुप में भी आता है, ड्रैक्सो नाम का जो था वो आता है ग्रुप में एंड वो वहाँ पर मतलब बोलता है कि मैं डीसी पे नहीं आ सकता हूँ, ऐसा वैसा बहाना मारता है। फिर भी वो लास्ट पे मान जाता है कैसे कैसे करने के बाद, वो बोलता है कि ठीक है आप डीसी लिंक दो मैं आता हूँ, ठीक। एंड वहाँ पर हम उसको डीसी लिंक देते हैं एंड उसको डीसी पे बुलाते हैं। अब असली पिक्चर यहाँ से शुरू होता है, जैसे ही हमने उसको डिस्कॉर्ड पे बुलाते हैं तो वो डिस्कॉर्ड पे आने में कम से कम करीबन आधे घंटे लगाता है, पता नहीं आधे घंटे तक क्या करता है, बट हमें पता होता है कि वो आधे घंटे से क्या कर रहा है, सब चीज़ हमें पता होता है कि वो एक्चुअली में क्या कर रहा होगा, तो हमें पता होता है। फिर कैसे कैसे करने के बाद वो आधे घंटे बाद आ जाता है मतलब डिस्कॉर्ड के ऊपर एंड वहाँ पर एक नाटक उसका पहले से था कि भाई स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, तो मैंने उसको बोला कि ठीक है मैं तुम्हें अपना डीसी लिंक देता हूँ, तुम वहाँ उस डीसी पे आ जाओ एंड वहाँ पर तुम्हारा स्क्रीन शेयर देखेंगे। एंड वहाँ पर वो डीसी पे आता है, फिर थोड़ा देर वहाँ पे टाइम लगाता है बट लास्ट में वो स्क्रीन शेयर कर ही देता है एंड यहाँ से तुम्हारा असली पिक्चर स्टार्ट होता है। अब देखो यहाँ से क्या क्या होता है, अब सारा चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले तो उसने स्क्रीन शेयर किया, तो हम यहाँ पर उसका स्क्रीन पे आ जाते हैं एंड वो सबसे पहले पता है क्या काम करता है, हमने बोलते हैं उसको फ्री फायर ऑन करने के लिए, तो वो फ्री फायर ऑन करने जाता है लेकिन उससे पहले वो पता है क्या करता है, अपना DPS सेटिंग को चेंज करता है जो कि आपको दिखेगा स्क्रीन पे एंड सोचता है कि भाई DPI लगा के मैं हेड मार दूंगा। उसने पता है क्या किया, उसने वो आधे घंटे में पहले तो वो PC में लॉगिन था, जो कि आपको मैं आगे दिखाने वाला हूँ, सारा प्रूफ मेरे पर पड़े हैं। तो सबसे पहले वो PC में लॉगिन था एंड PC के बाद वो मोबाइल में आता दिखाने के लिए कि मैं मोबाइल प्लेयर हूँ, ठीक। एंड उसमें PC में कुछ अलग ही लोचा था उसका एंड देखो मे भी यहाँ से उसने DPI लगाता है, मतलब 100-900 मतलब जितना मैक्सिमम DPI होता है इसने लगा देता है, सोचता है कि भाई अब तो यहाँ हेड लगेगा ही, बट आपको रियलिटी भी पता चलेगी कि भाई बंदा जैसे कस्टम्स के अंदर मार रहा था 4 गोली 4 हेड अप्रॉक्स, यहाँ भी वैसे ही मारने चाहिए उसको। तो आपको उसका गेम प्ले भी दिखाएंगे एंड उसका मतलब सारा चीज़ें दिखाएंगे, तो आप देखो अंदर मैं क्या करवाने वाला हूँ उससे, आप बस देख जाओ क्या होने वाला है, ठीक। तो लो यहाँ पर फाइनली ये अपना स्क्रीन शेयर करके एंड ये गेम में आ जाता है एंड यहाँ पर हम इसको बोलते हैं कि भाई तू अपना अभी काम कर, तू अपना हमें मतलब जो लॉगिन का हिस्ट्री होता है उसको हमें दिखा। तो वो बंदा दिखाता है लॉगिन का हिस्ट्री एंड वहाँ पर आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगा, आप देखना, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना चीज़ कुछ दिखाता हूँ, उसके बाद आपको वो चीज़ दिखाऊंगा, तो ठीक। देखो यहाँ पर मेरा पहले देखना, यहाँ पर तो मेरा यहाँ अगर देखते हो तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखो ये हमारा जो है ना ये हमारा मैच का एंड का टाइमिंग था, जब हमारा मैच ख़त्म होता है 20 जुलाई 2024 9:56 पर हमारा मैचेस ख़त्म होता है उस टाइम पे। एंड अब आपको मैं उसका लॉगिन हिस्ट्री दिखाऊं, तो देखो यहाँ पर अगर आप उसका लॉगिन हिस्ट्री देखोगे तो देखो यहाँ पर इसका लॉगिन था Xiaomi जो भी इसका मॉडल नंबर है एंड 20/07/2024 मतलब इसका 10:30 करीबन इसका अकाउंट लॉगिन हुआ मोबाइल में। अब देखो इसका सेकंड लॉगिन हिस्ट्री जो कि यहाँ पर ASUS का आपको ये PC है एंड 20/07/2024 यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन 17/14 मतलब जो भी है इसका टाइमिंग है उस टाइम पे इसने लॉगिन किया था कब PC में, ओके उस टाइम से लेके एंड ये बंदा जब तक हमारा मैचेस ख़त्म नहीं हुआ तब तक वो PC में ही था एंड उसके बाद वो आता है मोबाइल में हमें दिखाने के लिए कि भाई हम एक मोबाइल प्लेयर हैं एंड एक फेयर प्लेयर हैं। चलो ठीक है यहाँ पर अब ये तो इससे भाई PC में तो ये ऐसा थोड़ी है कि भाई अनफेयर हो जाएगा, नहीं मैं भी जानता हूँ, बट इसने जो काम किया है वो मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। भाई देखो ये बंदा मैं इसको बोलता हूँ कि भाई अब तू ट्रेनिंग में जा एंड भाई मेरे को अपना मतलब पहले वाला गेम प्ले दिखा, जैसे तू मार रहा था फोन में क्या था मार रहा था ना, तो फोन में जैसे था मार रहा था वैसे मेरे को मार के दिखा ट्रेनिंग के अंदर 4 गोली 4। तो ये बंदा ट्रेनिंग में जाता है एंड यहाँ पर हम इससे बोलेंगे कि भाई तू अब एक काम कर, तू अब मतलब अपना गेम प्ले दिखा, ठीक। तो ये बंदा गेम प्ले दिखाता है यहाँ पर अपना एंड इसका तो क्या ही गेम प्ले था, मैं भी देख के शौक था भाई इस गेम प्ले के, भाई मतलब ये बंदा कैसे मारता है ऐसे ऐसे रेड। तो यहाँ पर देखना आप, ये पहले शॉर्ट गन्स लेते हैं ताकि भाई मतलब मार पाएगा ये मोबाइल में, लेकिन भाई हम लोग इसको बोलते हैं भाई तो उठ पी कर ले जो जिससे मार रहा था। तो देखना यहाँ पर हम इससे मरवाएंगे हेड शॉट, लेकिन इससे तो भाई ठीक से ढंग से मूवमेंट भी नहीं होता है ठीक से अंदर भाई एक भी मतलब देखो जैसे वहाँ पर बैक टू बैक इसे 4 के 4 हेड मार रहे थे ना, वहाँ पर अगर इसका अब यहाँ पर गेम प्ले देखोगे तो भाई इसे ठीक से भाई मतलब इसका स्क्रीन भी कंट्रोल नहीं हो रहा है एंड वहाँ पर वो कैसे मार दे रहा था। अब इसको हम बोलते हैं कि तू एक काम कर,
तू अब मैच के अंदर जा, ये तो ड्रिल्स थे यहाँ पर, तू अब यहाँ से तू मैच के अंदर जा, मैंने मैच के अंदर जाकर तुमको दिखा कि भाई तू वहाँ पर कैसे मारता है। ठीक चल, तो ये मैच के अंदर भी जाता है एंड वहाँ पर भाई क्या ही तो उसका गेम प्ले था, आप देखो यहाँ पर। देखो पहला गोली पहला हेड, दूसरा गोली दूसरा हेड, तीसरा गोली तीसरा हेड, बाप रे बाप, चौथा गोली भी हेड, पांचवा गोली भी हेड मारेगा देखना। ए लेकिन उसने मार दिया भाई, गलत बात भाई। तब भी यहाँ पर अगर आपको लगता है कि बंदा फेयर है तो भाई आप हो पिकाचू ऑडियंस। भाई मैं अब इतना आपको सारा चीज़ प्रूफ कर दिया भाई, वहाँ नहीं साबित हुआ तो यहाँ किया, वहाँ नहीं हुआ तो फिर किया, ऐसे ऐसे मैंने आपको कितना चीज़ कर दिया फिर भी आपको नहीं। एंड आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, वो भी देख लियो बंदा क्या यूज़ करता है। अब इसके बारे में तो जानते ही होगे मैक्रो क्या होता है, अब जिसको नहीं पता जितने भी ओल्ड प्लेयर्स होंगे उनको तो पता ही होगा, जिनको नहीं पता जाए को YT पे देख लेना मैक्रो एक्सेल में होता है क्या है। एंड भाई ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो जितना हो सकता था मैंने आपको सारा चीज़ दिखा दिया, सारा चीज़ क्लियर कर दिया। अगर अभी भी आपको लगता है कि बंदा फेयर है तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर आपको लगता है फेयर है तो भाई कमेंट बॉक्स में फेयर लिख देना, अगर आपको लगता है कि अनफेयर है बंदा तो अपन फेयर लिख देना भाई, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। एंड भाई वॉइड ई स्पोर्ट्स, तुमसे एक बात बोलनी थी कि भाई तुम न सिर्फ हैकर ही लेके एंड पैनल वगैरह लेके मार पाओगे, तुम्हारा औकात से बाहर है फेयर खेलना, तो तुम फेयर छोड़ ही दो। एंड अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।